करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 18 जनवरी 2024 थर्सडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। डॉलर इंडेक्स अभी है 103.28। कल के दिन में डॉलर इंडेक्स जो था एक डोजी कैंडल बना के क्लोज दिया है। सम सॉर्ट ऑफ इवनिंग स्टार फॉर्मेशंस अंडर वे है। ये इवनिंग स्टार होगा अगर आज के दिन में एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म होता है, देन इन सच ए केस द थ्री कैंडल कॉम्बिनेशन विल बी कंसीडर्ड एज ए इवनिंग स्टार। RSI daily at 59.37. It seems it is trying to take resistance at 60. So, आज का वेट क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हो जाते हैं इन सच ए केस, हमारा जो सपोर्ट लेवल हो जाएगा नेक्स्ट पर्पस के लिए वो हो जाएगा आपका दिस लेवल, आपका 102.10 से 102.30 के बीच में इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा। ऊपर की तरफ तो ऑलरेडी हमारा रेजिस्टेंस लेवल है ही 104 से 104.20 के बीच में। डॉलर रुपी कल के दिन में एक अच्छा खासा अप मूव देखा गया एंड जो हमारा एक्सपेक्टेशंस था कि आपका 80-90 लेवल से क्या डॉलर रुपये दोबारा 83 के ऊपर 83.10 83.20 के बीच में जाके डॉलर रुपये को पार्किंग करवा दिया जाएगा क्या, एंड वही दिखने को मिल रहा है। एज ऑफ नाउ डॉलर रुपये इज ट्रेडिंग एट 83.1213 लेवल। सो दोबारा ये अपना जो रेंज है, अपना जो जोन है, उसी जोन पे आके खेल रहे हैं। सो क्या करेंगे, नथिंग एल्स, इंतजार ही करना पड़ेगा। जीबीपी डॉलर, जीबीपी डॉलर में कल एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। हमारा अगर एनालिसिस देखोगे कल का, वहां पे क्या था, ये जो नीचे के तरफ 2 जनवरी एंड 3 जनवरी का जो लो है, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। इसके लो के नीचे एक सेलिंग मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते थे टूवर्ड्स 1.25। कल के दिन में जस्ट नीचे के तरफ टच किया टू 1.2596 एंड इमीडिएटली मूव्ड हायर, देयर बाय इसको एक सपोर्ट लेवल के तरफ ट्रीट किया हुआ है। दैट बीइंग द केस, अभी हमें देखना है ये जो रेजिस्टेंस जोन है उसको हमें देखना है, कौन सा डेट का, 28 दिसंबर का हाई बिकम्स क्रूशियल। सो एज ऑफ नाउ 28 दिसंबर का हाई एंड 2 जनवरी का लो बिकम्स द टू पिवट्स, जहां पे ऊपर या नीचे ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलरली कल के दिन में जो 2 जनवरी एंड 3 जनवरी का लो था उसके नीचे से बुलिश बिल्डअप किया हुआ है, और 16 जनवरी के दिन में इस के लो के नीचे क्लोज दिया हुआ था। सो इसके लो के नीचे क्लोज देने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू के मामले में थोड़ा सा सस्टेन कर नहीं पाया एंड वो बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ चला आया। सो अभी ये कल का लो बिकम्स क्रूशियल एंड इधर आपका 28 दिसंबर का हाई बिकम्स क्रूशियल। ये जो दो जोन है इसके अंदर में जब तक रहेगा प्राइस काफी चॉपी एंड वॉलेटाइल बिहेव करने का एक्सपेक्टेशंस है। नेक्स्ट यूरो डॉलर, यूरो डॉलर में एक पिन बार बनाया हुआ है एट द बॉटम। ये बिकम्स बहुत ही बढ़िया सा एक सेटअप। क्या सेटअप, अगर आज के दिन में एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज देता है सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ मॉर्निंग स्टार। आप बोलोगे मॉर्निंग स्टार, बट इट्स ए, आप देखोगे मूवमेंट कहां से आया है, 1.11 से 1.0850 की तरफ। तो आज के दिन में क्या क्लोज होते हैं उसको हम देखेंगे। अगर ये मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो जाता है थोड़ा सा मींस मार्केट में अगेन साइडवेज बिहेवियर प्रिवेल कर जाएगा यूरो डॉलर में, जब तक ये कल के लो यानी 17 जनवरी का जो लो है आपका 1.0845 उसके लो के नीचे
सस्टेन नहीं करते। डेली आर इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40। यूरो आइनर में भी सिमिलर क्या था, 16 जनवरी को ये जो आपका लो था सब यानी हमारा जो सपोर्ट लेवल था डेटेड 18 दिसंबर का लो, उसके लो के नीचे क्लोज दिया था। कल के दिन में फॉलो थ्रू चाहिए था जो हमें मिला नहीं, रदर ये बाउंस बैक करके जो ये जोन था इस जोन के ऊपर जाके क्लोज दिया हुआ। डेली आर इज टेकिंग सपोर्ट 40। सो व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा अभी क्या हुआ, हमारा दो जोन आ चुका है, ये एक सपोर्ट जोन और इधर आपका एक रेजिस्टेंस जोन। ये एक रेजिस्टेंस जोन आ चुका है, ये दो जोन के बीच में जब तक रहेगा थोड़ा सा चौपी बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर सकते। डॉलर येन में कल भयंकर एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा गया, ये इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस जोन था आपका 147.4060 का उसको तोड़ के फोड़ के ऊपर की तरफ चला गया है। काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है डॉलर में अगेंस्ट येन। सो अभी यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 149.50 से 149.80 के बीच में। सो यहाँ पे एक कंसर्न यही है कि डे वीकली आरएसआई अप्रोचिंग 60, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलने का प्रोबेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया पे। येन आयनर में भी अच्छा खासा सेलिंग दिख रहे हैं एंड कल के दिन में ये जो 16 जनवरी का लो था उसके नीचे अच्छा खासा सस्टेन कर चुका है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक जो हमारा सपोर्ट लेवल है 0.557080 उधर की तरफ प्रोसीड करने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। डॉलर कैंडी में भी कल एक मॉडरेटली अप मूव देखा गया, प्राइस ट्रेडेड हाई ऑफ 1.3541 बट कुडंट सस्टेन एट दैट लेवल, देयर बाय इट कन्वर्टेड इनटू इनवर्टेड पिन बार। अभी क्या RSI daily ये 60 में resistance लेके नीचे आता है, there are higher possibilities, तो थोड़ा सा selling हम expect कर सकते हैं। अगर यहाँ पे selling हो जाते हैं तो हमारा next support level जो आएगा ये आएगा आपका यहाँ पे कौन सा 1.3350 से 1.3375 का एक support level हमें मिल सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कल एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल बनाया जो क्लोज दिया है प्रीवियस सपोर्ट लेवल पे एंड आज के दिन में हल्का सा छोटा सा एज ऑफ नाउ एक बुलिश कैंडल फॉर्म अंडर फॉर्मेशंस हो रहे हैं, लेकिन इसको सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड। CNH 7.205 कल के दिन में एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ है अबोव द रेजिस्टेंस लेवल, सो इट्स अ पॉज कैंडल। ये जो पॉज कैंडल है इसके हाई के ऊपर हमें फर्दर कंटिन्यूएशंस देखेगा जो इट मे टेक टुवर्ड्स 7.25 एंड देन 7.29 की तरफ लेके जा सकते हैं एंड ये स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे हल्का सा कंफ्यूजन हमें मिलेगा। ब्रेंट क्रूड 78.20 कल के दिन में एक ऑल्दो इट्स अ नेगेटिव इन कलर दैट मींस द रेड कलर बट प्राइस रिजेक्शंस एट बोथ द एंड्स, दोनों तरफ प्राइस रिजेक्शंस होने के कारण ये एक कैरेक्टर जो है एक न्यूट्रल कैरेक्टर, जैसे कि हमारा एनालिसिस है जब तक आइदर साइड ये अप या ये बॉटम आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते हैं मोमेंटम मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। यूएस 10-year ट्रेजरी 4.088 अभी है, कल के दिन में ये रेजिस्टेंस लेवल को रेस्पेक्ट किया। अभी हमें आने वाले दिनों में देखना है क्या इसको तोड़ के ऊपर की तरफ चलते हैं या यहाँ पे रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हुए दोबारा नीचे की तरफ आते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। US 2-year treasury कल के दिन में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है जो बैक टू बैक दो बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो बॉटम से अच्छा खासा पुल बैक किया है। सो दैट बीइंग द केस अभी हमें
इस जोन पे जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं ये है आपका 7.45 से 4.47 के बीच में। क्या ये इस जोन को रेजिस्टेंस लेके रेस्पेक्ट करेगा वो हमें देखना है। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना है। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। विशिंग यू ऑल ए ग्रेट डे। थैंक यू एंड बाय।